Yes, Lord. आज का मैसेज उस परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाए। Amen, amen. आज का मैसेज उस परिवार के लिए एक अद्भुत मैसेज बन जाए, छुटकारे का मैसेज बन जाए, बंधन में वो आजाद हो जाए, दुष्टात्माओं में ग्रस्ती थे वो चंगे हो जाए। Amen. जो पाप में फंसा हुआ है प्रभु, आज उन लोगों को तो इसी समय के पापों से बाहर निकाल। आमेन। खुदा तूने जो हमारे लिए तोहफा भेजा है, आज हम उसको स्वीकार करते हैं और एक के दिल और दिमाग yes, सोच विचारों को तेरे हाथ में दे रहा हूँ। आमेन। पवित्र आत्मा बातें कर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। Hallelujah. अभी कोई भी बाहर निकल के नहीं चाहना, यदि आप निकले हैं तो वो कृपया वो चर्च के अंदर आ जाए। कल का रात जो लोग आए थे, मैंने दो बातें आप लोगों के सामने रखा। कौन सी बात? मैं जोर से बोलो, ऐसा नहीं, डरो मत। दूसरा, आनंद मनाओ। आज हम क्रिसमस का तीसरा संदेश में जाएंगे। कल की रात मैंने क्रिसमस का पहला संदेश डरो मत, दूसरा संदेश आनंद मनाओ, तीसरा संदेश हम आज आएंगे शांति मिले। आमेन। क्या मिले? शांति। शांति बोलो, बाजू वाले को बोलो शांति मिले। शांति मिले। हालेलुया। 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 मेरे पास आज समय है आपको वचन बताने के लिए। लूका रुचि सुसमाचार अध्याय 2:14। हम जल्दी से इस वचन की ओर बढ़ेंगे। प्लीज हम लोग बस देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों जिनसे वो प्रसन्न हो शांति हो, उनको शांति। आमेन। हालेलुया। अब इस संदेश को थोड़ा गहराई के साथ हम लोग सुनेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब यह वचन बताता है आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों, कौन मनुष्य? बाजू वाले को आप दिखा करके बोलो, उन मनुष्यों पर, उन मनुष्यों पर शांति हो। शांति हो। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति हर एक को नहीं मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा, पर उसी को मिलेगा, पर उसी को मिलेगा जो उस परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, जो उस परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, जोर से बोलो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। आज अगर आप इस क्रिसमस में सचमुच शांति लेना चाहते हैं, आपके घर में शांति आना चाहिए, तो आपको वचन कहता है कि तुम्हें परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा। खुश करने के लिए क्या देना पड़ेगा परमेश्वर को? ध्यान दीजिए, हम लोग बड़ा मजा लेकर चले जाते हैं लेकिन शांति नहीं आती। हालेलुया। तरह तरह का डेकोरेशन करते हैं लेकिन शांति नहीं है हमारे पास। बाइबल कहती है परमेश्वर की शांति पाने के लिए, यीशु शांति का राजा है, वो आपको शांति देने के लिए आया है, लेकिन उस शांति हमें कैसे मिलेगा? क्या देंगे उसे जो वो शांति मुझे चाहिए?